मीट मो सबसे छोटा कंटेंट क्रिएटर हमारा चैनल का. हाय बोलो राहिल. हाय बोलो. हाय हाय. वेलकम बैक टू योर चैनल एवरीवन. और आज ब्लॉग के हिसाब से, मतलब मैंने जब से यूट्यूब चालू किया उसके हिसाब से, मैं पहली बार अपनी फैमिली के साथ कोरबा से बाहर जा रहा हूँ घूमने. और वो तो आगे जाके बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग. तब तक आप इनसे मिलिए. गप्पू मम्मी पापा से बाद में मिलाता हूँ आपको. वैसे तो मिल ही चुके हो पापा से आप लोग. और चलो फिर बताते हैं आगे जाके कहाँ जा रहे हैं हम लोग. अब मेरे हिसाब से राइट टाइम है. हम लोग ये कहीं बलौदा बाजार में हैं. हम लोग छत्तीसगढ़ वालों को पता ही हो जो बाहर से देख रहा है वो हम लोग बलौदा बाजार में. और सोनू कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अभी हम लोग अमरकंटक अचानक मार जा रहे हैं. तो पहले पहले हम लोग अचानक मार जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. तो चलते हैं देखते हैं. पहली बार जा रहा हूँ मैं, एक्सप्लोर करते हैं. अमरकंटक तो बहुत पहले गया था पर अभी कुछ सालों, मतलब 10-15 साल बाद जा रहा हूँ. तो दिखाते हैं आपको अमरकंटक और अचानक मार. और ट्राई करता हूँ कि सबसे अच्छा सिनेमैटिक बना सकूँ इस वीडियो को. छत्तीसगढ़ के सबसे फेमस, मतलब बहुत ज़्यादा ही फेमस मंदिर में, रतनपुर मंदिर इस मंदिर का नाम है. और ये मतलब ऐसा पूरा चांदी चौक टाइप का मार्केट लग रहा है एकदम. बहुत लंबा मार्केट है. और सोनू इधर सोच रहे हैं कि कुछ खिलौने लाना, पापा इनको दिला देंगे. पर मैं खिलौने से उम्मीद नहीं हूँ. ये पूरा इस मंदिर का पूरा कैंपस बहुत एंशियंट मंदिर है. और मैं पहली बार आ रहा हूँ छत्तीसगढ़ में रह के. मेरे लिए बहुत शर्म की बात है कि मैं पहली बार इस मंदिर में आ रहा हूँ. भैया लोग मछली पकड़ने का ट्राई कर रहे हैं. ये टेक्निक भी बहुत पसंद आई मुझे. और ये बकरी मेरी तरफ आ रही है और मेरी थोड़ी थोड़ी भाग 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 भाई भाग 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 कुछ नहीं करेगा यार. मीट मो सबसे छोटा कंटेंट क्रिएटर हमारा चैनल का. हाय बोलो राहिल. हाय बोलो. हाय हाय व्यूअर्स. हाय हाय राहिल. राहिल पीहू हाय बोलो व्लॉग में. पीहू पीहू तुम व्लॉग में हो. हाय बोलो. हाय भाई लोगों को डरा रहे हो कि हाय बोल रहे हो? तो गप्पू कैसा है ये मंदिर? ये देखो यहाँ का कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ही एंशियंट मंदिर लग रहा है. ऐसा लग रहा है धीरे धीरे. हाय बोलो व्लॉग में. इधर थक क्यों गए हो आप? इतना चले और थक गए? ऐसे घूम के जाग बना गया ना ऐसे. हाँ वही इधर से बना के लाता हूँ. इसके बाद जो कोरबा जो छत्तीसगढ़ में बोलेगा मुझे कि छत्तीसगढ़ में घूमने का कुछ नहीं है, उसको मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ बोलना चाहूँगा. कि भाई लोग पूरी जाते हैं, लोग जगह वो साउथ में मंदिर के दर्शन करने जाते हैं और छत्तीसगढ़ से जाते हैं ना. और लोगों को ये नहीं पता कि रतनपुर में इतना बड़ा मंदिर है. तो सोचो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने स्टेट के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं होता है. उनमें से एक मैं भी था. लेकिन इस मंदिर में आके बहुत मुझे बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. और बहुत ही सैक्रेड यहाँ का वातावरण है.
और ये बकरियां मुझे बार बार डरा रही हैं, मुझे बचपन से बकरियों से बहुत डर लगता है। यहाँ के फोटो मत खिंचाना, अपना कैमरा लेके आना तो खिंचाना, नहीं तो थक रहे लोग। मतलब समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा समझाओ तो सिस्टम इन लोगों का, सिस्टम समझाओ इन लोगों का ब्लॉग में। या चार लोग का बोलेगा 30 रुपए, इसमें लोगों के हिसाब से पैसा लिया जाता है, जितने लोग होंगे फोटो में उसके हिसाब से पैसा लेगा। तो यहाँ के बेवकूफ मत बनना, हम भी बनने वाले थे लेकिन मैंने नहीं। तो जितने भी मंदिरों में मैं गया हूँ, सबसे खूबसूरत मंदिर मुझे यही लगा। तो भाई जितने भी श्रद्धालु लोग हैं यहाँ छत्तीसगढ़ के, वो अपने छत्तीसगढ़ को एक बार एक्सप्लोर कर लो, उसके बाद फिर पुरी जाना और नीचे साइड साउथ साइड जाना। लेकिन रतनपुर दर्शन भी करके आओ यार, करने तुम लोग, इतना अच्छा मंदिर, क्या बोलूँ। अभी तक मैं आया नहीं था, मेरी बहुत बदकिस्मती है। चलो चलते हैं, अचानक मार, पता नहीं कौन से रिजॉर्ट में रुके हैं इसलिए नाम अभी बोल नहीं पा रहा हूँ, वहाँ पहुँच के बताता हूँ। चलो, सो वी आर हियर इन द ब्यूटीफुल अनाया रिजॉर्ट, बहुत ही फेमस रिजॉर्ट है, बहुत लोग आए भी होंगे यहाँ पे। और यहाँ का क्लाइमेट तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, और ऐसा लग रहा है एकदम ऑसम भाई, यहाँ पर सब कुछ जानवर खुले हैं, जैसे हम लोग अंदर वैसे ही आपको इमो दिखाओ, इमो दिखाओ नहीं जरा, ये देखो कमेंट करके बताओ, ये जो पीकॉक है ये मेल है कि फीमेल। अभी आगे एक्सप्लोर करना बाकी, अभी तो रूम लिए हुए नहीं है, अभी जैसे ही रूम लेते हैं उसके बाद आपको आगे एक्सप्लोर करके बताते हैं। ये देखो इमो, उधर दिखाओ यार पीकॉक, और ये पीकॉक ही कॉक है, सब खुले हुए हैं। और ले लो इनकी कॉक की, इतनी नजदीक से कभी नहीं। रुको, इनका सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ आपको, ये इधर रिजॉर्ट को तो बाहर से देखे समझ में आ गया कि अंदर से कितना अच्छा होगा, यहाँ कुछ गेम जोन वेम जोन भी है, अभी आगे जाके एक्सप्लोर करके देखते हैं क्या क्या है। स्विमिंग पूल भी है, और सोनू को मैं रात को 2 डिग्री में कूदाने वाला हूँ, स्विमिंग करने देंगे कि नहीं। और रिया दीदी आ रही है, रिया जी कैसा लगा रिजॉर्ट का क्लाइमेट? बहुत अच्छा। जैसे गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा रिजॉर्ट हो गया भाई ये, इतनी ब्लॉग कर रहा हूँ ब्लॉग। आंटी आप भी हाय बोल दो ब्लॉग में, हाय माता दादी नहीं पहचानूंगी। तो यहाँ पहली बार इतने सारे जानवरों के साथ सिनेमैटिक शॉट्स ले पाया हूँ, और ये देखो ऐसे इधर रूम्स बने हुए हैं, और इन्हीं में से कि अपना भी एक कॉटेज है। तो चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे और घूम के आते हैं। तो ये हमारा बहुत खूबसूरत सा और बहुत
स्वीट सा रूम इस अनाया रिजॉर्ट में, और अभी रात का हम लोग कुछ शायद बॉनफायर का प्लान होता क्लब, अभी वहाँ जाके टेबल टेनिस का अपना टैलेंट दिखाऊंगा मैं दीदी लोग को, और बस फिर कल सुबह 12 बजे यहाँ से चेकआउट है, तो यहाँ से अमरकंटक तक निकलेंगे और फिर वो एक्सप्लोर करेंगे। अभी अचानक मार बोल के शायद हम लोग को बेवकूफ़ बनाया गया है, और इस रिजॉर्ट में बस शायद हमको लाने के लिए अचानक मार बोला गया था, बाकी लेकिन ठीक ही है रिजॉर्ट, इतना ठीक है इसलिए क्योंकि रिजॉर्ट बहुत अच्छा है, तो किसी को भी अगर बिलासपुर के आसपास अगर कहीं जाना है रिजॉर्ट घूम मतलब ठहरने के लिए, चिल मारने के लिए, रिलैक्स मारने के लिए, तो वो अनाया रिजॉर्ट प्रेफर कर सकता है। हाँ तो इस होटल का एम्बियंस बहुत अच्छा है, वही मैं पता नहीं क्या बोल रहा था, सॉरी उसके लिए, पर इसलिए अगर किसी को भी बिलासपुर के पास अगर कोई रिजॉर्ट के बारे में पूछे तो मेरा व्लॉग ही दिखा देना भाई, मुझे गरीब का भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे एक खटिया लगी हुई है हर रूम के सामने, तो अगर किसी की समझ रहे हो ना, बाकी हस्बैंड वाइफ से जानते ही होगे, तो अगर किसी का झगड़ा हो गया तो इस खटिया में सो सकता है वो आके, तो उसका भी जुगाड़ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो फिर अभी देखते हैं क्या प्लान है, और तब तक आप लोग रिजॉर्ट का एक सिनेमैटिक देखो। एक बॉल नहीं मार पाया अभी तक, और पूरा 8 बॉल पूरा एक्सपीरियंस है, ये बॉल ऐसे पकड़ के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मैंने गेम में देखी थी सिर्फ बॉल, रिया जी ने मेरे को देखा नहीं, लेकिन आगे जाके आप ही मेरे जब मैं हो जाऊँगा ना क्या बोलते हैं प्रो कर जाऊँगा तब आप ही कहाँ क्यों ये गेम तो मिल गया बहुत बड़ी बात है, और इधर ये टेबल टेनिस मिल गया, तो भाई तनय प्रियांश तुम लोग मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा टेबल टेनिस खाली है, अपने स्कूल जैसा नहीं कि भरा हुआ है हमेशा की तरह, और कभी खेलने नहीं मिलता, तो चलो रात का व्यू दिखाता हूँ आपको रिजॉर्ट का, और इधर बच्चों को ट्रैम्पोलिन भी लगा यार, अनाया रिजॉर्ट इज द बेस्ट अभी तक जहाँ तक गांधी जी रिजॉर्ट में मैं गया, चलो फिर चलते हैं। तो ये इस होटल का रिसेप्शन एरिया है, देखो कितना खूबसूरत एम्बियंस है यार इस रिजॉर्ट का, तो फिर से वही बोलता हूँ फिर स्टे ही करना, किसी को भी आना हो तो अनाया रिजॉर्ट कोटा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे, अगर स्टोरी डालूँ इसका एक रेस्टोरेंट है उसका फोटो डालूँ, क्या फोटो आई वो देखो एक बार जाके इंस्टाग्राम पे मेरे, और चलो फिर आज के दिन का तो यहीं समापन, खाना ना खाएंगे और फिर सो जाएंगे, और फिर कल सुबह का ट्रिप अभी प्लान करना है, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं हम लोग, और ट्राई करते हैं कि अच्छे से अच्छा आपको एक्सप्लोर करके दिखा सकूँ, तो चलो फिर मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट बाय।
तो मैंने नई कार ली है अभी अभी यहीं रतनपुर में, सेकंड हैंड मिल रही थी। नहीं कैसी मुझे कमेंट करके बताना जरूर।